नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल स्वागत करता हूं आपका अनमोल फैक्ट्स में। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इमारत की जिसे प्यार की निशानी कहा जाता है, जिसका नाम है ताजमहल, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आज हम आपको घर बैठे ताजमहल में ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर और देखकर आप चकित रह जाओगे। नंबर एक, हिंदुओं के अनुसार ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम है तेजो महल है, क्योंकि किसी भी मुस्लिम देश में ऐसी कोई इमारत नहीं है जिसके नाम में महल आए। महल मुस्लिम शब्द नहीं है, गौर करना आप। नंबर दो, यदि इतिहास पर नजर डाली जाए तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने कुल 7 शादियां की थी और ताजमहल का निर्माण अपनी चौथी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। बहुत बड़ा आशिक था वो। मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने उसकी बहन से शादी कर ली। नंबर तीन, विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। इसे बनाने का काम 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1653 ईस्वी में खत्म हुआ। इसे पूरा करने के लिए लगभग 22,000 मजदूरों का हाथ था, बड़ी जनसंख्या थी। नंबर चार, 1632 में ताजमहल को बनाने में 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन यदि आज ताजमहल को बनवाया जाए तो लगभग 6800 करोड़ रुपए खर्च होंगे, मतलब अंबानी का मकान, अब आप सोच सकते हो। नंबर पाँच, आपको शायद मेरी तरह अजीब लगे कि ताजमहल लकड़ियों पे खड़ा हुआ था, लेकिन ये हकीकत है। ये ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत होती है, जो यमुना नदी में मिलते रहती है। नंबर छः, ताजमहल के चारों मीनारों को इस तरह बनाया गया है कि चाहे भूकंप आए या बिजली, ये बीच वाले गुंबद पे नहीं गिरेगी। नंबर सात, ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत है। हर रोज पूरी दुनिया से लगभग 12,000 लोग इसे देखने आते हैं। नंबर आठ, ताजमहल को बनाने में 28 अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इससे लगा हुआ संगमरमर पत्थर राजस्थान, चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से आया था। ताजमहल की सजावट का सामान ले जाने के लिए 1,000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 9, ताजमहल का रंग बदलता है, सुबह देखने में गुलाबी, रात को दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई पड़ता है। ये तो फूलों जैसा हो गया, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा, इसीलिए इसके आसपास पेट्रोल और डीजल के वाहन बंद हैं। नंबर 10, ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं, क्योंकि सभी फव्वारों के नीचे एक तांबे का टैंक है। ये सभी टैंक एक साथ भरते हैं और दबाव बनने पर एक साथ पानी छोड़ते हैं। क्या कारीगरी थी उस समय की, सोच सकते हो। नंबर 11, विश्व युद्ध दूसरी 1971 भारत पाक युद्ध और 9/11 के हमले के बाद, ये तीनों चीज के हमले के बाद ताजमहल को बांस से, घेरों से ढक दिया गया ताकि ताजमहल को क्षति से बचाया जा सके। नंबर 12, सफेद ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां का सपना था कि वह अपने लिए एक ऐसा काला ताजमहल भी बनवाए, लेकिन उसके बेटे औरंगजेब ने उन्हें घर में कैद कर दिया और उसका सपना पूरा नहीं हो सका। घर में नहीं, जेल में कैद कर दिया। नंबर 13, बचपन से सुनते आए हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि वो कोई दूसरा ताजमहल ना बना सके, लेकिन ये एक अफवाह सी लगती है, क्योंकि अहमद लाहौरी नामक व्यक्ति जिसने ताजमहल बनाने वाले दल में काम किया था, ने लाल किले के निर्माण में सहयोग किया था। अब आप सोच सकते हो, लाल किला बाद में बना और ताजमहल पहले बना था, तो जब अहमद लाहौरी के हाथ नहीं कटे हैं तो बाकियों के कैसे कट सकते हैं? विवाद का मुद्दा है, डिस्कशन कर लो। नंबर 14, शाहजहां चाहता था कि ताजमहल में कोई कमी नहीं रहे, लेकिन ताजमहल में एक छेद है जिसका पानी सीधा मुमताज के कब्र पर गिरता है। कहा जाता है कि जब कारीगरों के हाथ काटने का आदेश दिया गया, तब एक कारीगर ने यह छेद किया था। ताजमहल में एक कमी यह भी है कि दीवारों पर बने 11 नक्काशीदार पिलरों में से एक आकार गोल है, बल्कि बाकी 10 तिकोनी डिजाइन में है। नंबर 15, यदि आपसे पूछा जाए कि ताजमहल ऊंचा है या कुतुब मीनार, आपका जवाब होगा कुतुब मीनार, लेकिन यह गलत है।
आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ऊंचा है। चलिए कुछ रोचक सवाल बताता हूँ मैं आपको ताजमहल के बारे में। नंबर 1, दुनिया के 7 अजूबों में से ताजमहल किस नंबर पे आता है? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, नंबर 3 पे। नंबर 2, क्या कोई अमीर आदमी ताजमहल को खरीद सकता है? अरे भाई, ये एक स्मारक है, जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद आदि को हम नहीं खरीद सकते हैं, वैसे इसको भी नहीं खरीद सकते। समझ में आ गई होगी अब तो बातें। चलिए, फिर आप बैठे हुए क्यों हैं? पहले आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, आप बताओ कि वीडियो कैसा लगा आपको, साथ में इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।